हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें लिबरलाइजेशन के बारे में बताया गया था, तो अगर आप जानना चाहते हो लिबरलाइजेशन क्या है तो आप मेरी वो वीडियो मेरे चैनल कॉमर्स पॉइंट से देख सकते हैं। आइए जानते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो पहले जहाँ पर प्रोडक्शन करने का हक सिर्फ गवर्नमेंट को होता है, अब उस फील्ड्स को खोलकर अलो कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तरह से आप कहिए कि दरवाजे जो हैं, जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद थे, एलपीजी की पॉलिसी के बाद वो दरवाजे खोल दिए गए प्राइवेट सेक्टर के लिए। सो प्राइवेटाइजेशन, नाम से ही पता लगता है, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उनके लिए रास्ते खोल दिए गए, सो दैट हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। तो मीनिंग देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जहाँ पर सिर्फ पहले पब्लिक सेक्टर काम कर रही है, अब रास्ते खोलकर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी अलाउ कर दिया गया कि आइए आप भी एंटर कर सकते हैं। इट मीन्स डिक्लाइन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है उनसे ये हक ले लिया गया कि सिर्फ आप ही प्रोडक्शन कर सकते हैं इस फील्ड में। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो कम हो गया। डन। अब हम ये डिस्कस करते हैं, प्राइवेटाइजेशन तो पता लग गया कि प्राइवेट सेक्टर को अलो कर दिया गया, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया कंट्रोल ऑफ ओनरशिप को। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर हुई प्राइवेटाइजेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमें और अच्छे से समझाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन हुई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में, जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को गवर्नमेंट ऑन करती थी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में टाटा पावर को भी देखते हैं, रिलायंस पावर भी है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसने भी एंट्री ले ली इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में। तो ये एक एग्जांपल हो गया प्राइवेटाइजेशन का। व्हाई प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की क्यों ज़रूरत है। द पब्लिक सेक्टर हैड बीन एक्सपीरियंसिंग वेरियस प्रॉब्लम। जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, जैसे कि उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लॉसेस जो है वो बढ़ी जा रहे थे, इंक्रीज ही हो जा रहे थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने के कारण जो पब्लिक सेक्टर की मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट के हाथ में इतनी अटोनमी, इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी डिसीज़न लेने की। लेबर प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेबर इश्यूज आ रहे थे, और बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही टाइम है जब एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आनी चाहिए और जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उसकी ओनरशिप को प्राइवेट हैंड्स में दे देनी चाहिए। डन। अब हम करते हैं, अनदर टर्म फॉर प्राइवेटाइजेशन इज़ द डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन को कुछ लोग डिसइन्वेस्टमेंट से भी जानते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सिंपल, जो पहले पब्लिक कंपनी है उसको सेल आउट कर दिया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट, सेल कर दिया जाता है किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे डिसइन्वेस्टमेंट के? टू राइज सोर्सेज थ्रू सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उसको सेल कर दिया जाएगा, जो भी पैसा उसको सेल करने से आएगा उसको हम सोशल वेलफेयर में लगाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, टू राइजिंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ काम करने के लिए, उनके ऑपोजिशन में काम करने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे तो लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा।
जब लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पब्लिक कंपनीज हैं वो भी कोशिश करेंगी, पब्लिक सेक्टर भी कोशिश करेगा कि वो बेहतर तरीके से काम करें, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करें, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करें। डन, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन हुई। टू इंक्रीज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विद द बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में सिर्फ जो है गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, कंपटीशन नहीं होगा, तो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी प्रोडक्ट बनाकर लोगों को सेल किए जाएंगे और लोग भी मजबूर होंगे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि कहीं और से वो बाय करें। तो एज अ रिज़ल्ट लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही थी। लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले इसके लिए प्राइवेटाइजेशन लेकर आए, जिससे कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ और बेहतर क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड करने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है टू अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन हुई, इसको हम बाद में डिटेल में करते हैं। टू रिमूविंग द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अभी हमने डिस्कस किया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उसमें जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत रोल था, उनकी बहुत इंटरफेरेंस थी जिसके कारण पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए। डन, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन किस तरह से लेकर आए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोनमी टू पब्लिक सेक्टर। ऑटोनमी मतलब पावर दी गई कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। एग्जांपल है ONGC है, HPCL है और BEL है, BPCL है, ये सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी और इनको पावर दे दी गई कि आपकी मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है अपनी कंपनी की भलाई के लिए। डन, उसके बाद अगला पॉइंट है डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। फ्रेंड्स पहले जो थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती थी, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया, रिड्यूस करके 17 से 8 इंडस्ट्रीज़ रहेगी जहां पर गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर सकती है। फिर 8 से रिड्यूस करके वो 3 पर ले आए। 3 कौन सी? रेलवे, अटोमिक एनर्जी और कुछ मिनरल्स के केस में सिर्फ गवर्नमेंट होगी जो प्रोडक्शन करेगी और बाकी केसेस में, बाकी इंडस्ट्रीज़ के केस में कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए इंडिया में सिर्फ इंडियन रेलवेज़ है जहां पर आपको प्राइवेट कंपनी कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। अटोमिक एनर्जी भी ऐसे ही है और कुछ मिनरल्स के केस में, बाकी हर जगह पर आज के टाइम पर प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। डन, उसकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेकर आए। इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर, डिस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या डिसाइड किया गया कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो कि लॉसेस में जा रही हैं उनको बेच दिया जाएगा। किनको? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। और जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम क्या करेंगे, इकॉनमी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, लोगों के वेलफेयर के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर उस पैसे को हम लगाएंगे। डन, नेक्स्ट ये हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन किन किन कंपनीज़ की हुई थी, किन किन को सेल कर दिया गया था। ये है हमारे पास LJMC, VSNL एंड JZL एंड HCL और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। प्राइवेटाइजेशन हुई थी इन सभी कंपनीज़ की। डन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।